गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज यमुनानगर में जैविक खेती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसान सर्वाधिक फसल लेने के लिए यूरिया और डीएपी का सहारा लेते हैं, जिससे फसल में तो वृद्धि होती है लेकिन क्वालिटी ना के बराबर रह जाती है। खेत की फसल खाने वालों को शुगर, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्रम के दौरान आचार्य देवव्रत ने जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को सम्मानित किया और प्रदेश के किसानों का आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जैविक खेती अपनाएं, जिससे आय के साथ जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। आज श्री घनश्याम दास जी अरोड़ा विधायक यमुनानगर के खेत में प्राकृतिक खेती का एक प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया, जिसमें किसानों को प्रेरित किया गया कि वो जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ें, क्योंकि प्राकृतिक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जीवाणु बढ़ते हैं, पानी की खपत कम होती है, पर्यावरण बचता है और इसमें किसान की लागत शून्य के बराबर होने से उसकी आय बढ़ती है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है कि भारत के किसान की 2022 तक दोगुनी आय हो, तो ये वो पद्धति है जो उस दिशा में बहुत बड़ा योगदान करती है। इससे किसानों के आय भी बढ़ेगी और इसके उत्पाद के खाने से लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान अधिक उत्पादन के लिए ज्यादा यूरिया डालकर भूमि को बंजर बना रहे हैं। व्यवहार जो था वो माँ जैसा नहीं था। हमने क्या गाय मारी माँ है लेकिन व्यवहार माँ जैसा नहीं, गंगा मारी माँ है लेकिन व्यवहार माँ जैसा नहीं, वायु देवता है, जल देवता है लेकिन व्यवहार उन देवताओं जैसा उनके साथ था नहीं। जिस प्रकार से हमने इंजेक्शन लगाया, गाय का दूध निकाल लिया और उस गाय को हमने बांध कर दिया, इसी प्रकार से हमने इंजेक्शन लगा के धरती से अनाज पैदा कर लिया।